दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं गिरीश राठौर। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल से रिलेटेड। अब की इस बार मैंने जो है एंटोनिम्स का टॉपिक लिया है। दोस्तों जो पीएनपी द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें भी जारी किया गया था, उसमें भी जो है ये दोनों से इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। एक आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन था और एंटोनिम्स एक पूछा गया था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटोनिम्स का लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैंने वर्ड्स शामिल किए हैं वो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं, जिस प्रकार के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये जो मैंने वर्ड्स आप इसमें सिलेक्ट किए हैं वो अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर, जैसा आपका मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही उसी के अनुसार मैंने सिलेक्ट किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के वर्ड्स एंटोनिम में आएंगे। एक एंटोनिम से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो इन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे इनमें से वो आपके छूट जाएं। और इसलिए आप जो है नोट्स भी बनाते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ लाइक भी कर दें, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स मेरे एंटोनिम में लिए हैं, फर्स्ट वर्ड जो है ये मॉडल पेपर में भी दिया गया था, आप लोगों को ध्यान होगा, सैलो, ये मॉडल पेपर में भी आया था। तो दोस्तों देखिए, सैलो का एंटोनिम अपोजिट क्या लिखेंगे? सैलो मीन्स होता है उथला, सैलो मीन्स उथला होता है, विच इज नॉट डीप, जो गहरा नहीं होता है, जिसमें डेप्थ नहीं होती है, गहराई नहीं होती, उसको सैलो कहते हैं। तो इसका एंटोनिम दोस्तों डीप हो जाएगा, डी डबल ई पी, डीप मीन्स गहरा। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डीप दे दिया जाएगा तो आपको सैलो लिखना है, सैलो दिया जाएगा तो डीप लिखना है, ठीक है। आप देखेंगे वर्ड्स तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे ही वर्ड्स एग्जाम में आएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यदि आपको ये मेरे वर्ड्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिया है वो बॉटम, BOTTOM, स्पेलिंग आपको याद करनी, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन तो होगा नहीं, स्पेलिंग लिखनी होगी। तो इस साइड में जो वर्ड्स दिए गए उनकी भी स्पेलिंग याद करिए, क्योंकि उल्टा भी पूछा जा सकता है। BOTTOM बॉटम, बॉटम मीन्स होता है तली, पेंदी। तो तली और पेंदी का एंटोनेम आप चाहे तो हिंदी भी लिखते जाएं, बॉटम मीन्स तली या पेंदी। तो बॉटम का जो है एंटोनेम दोस्तों क्या होगा? जीनिथ, ZENITH, इसका अर्थ होता है चोटी, ये तली है तो ये चोटी है, बॉटम तली, जेनिथ मीन्स चोटी। अब दोस्तों एंटोनेम्स हो या सिनोनेम्स हो, उनके जो है एक से अधिक आंसर हो सकते हैं और होते ही हैं, तो ज़्यादा डीपली तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो और हो सकता है अपोजिट और जेनिथ हो सकता है कि आपको ये याद करने में समस्या आए, इसलिए मैं आपको बता दूं, टॉप, टॉप मीन्स भी चोटी होता है, हम लोग कहते रहते हैं कि वह टॉप में है, तो टॉप में है मतलब सबसे ऊपर है, तो चोटी उसका अर्थ हो गया। तो बॉटम हो गया, बॉटम सॉरी, बॉटम का अपोजिट जेनिथ हो गया। टॉप भी आप लिख दें, जेनिथ आपको याद नहीं रहता है तो आप टॉप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है स्ट्रॉन्ग, देखिए दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है इसका एंटोनेम लिखना है, तो इसका एंटोनेम तो बहुत ही सरल, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक मोस्टली हो जाती है। तो
तो स्ट्रांग मीन्स शक्तिशाली, बलवान, ताकतवर होता है, तो वीक लिखेंगे कमजोर की अंग्रेजी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, W डबल E K, ध्यान देना, W डबल E K, वीक लिख इस तरह से लिखा जिसमें डबल ई कर दिया, तो हमें कमजोर, स्ट्रांग का अपोजिट कमजोर लिखना है, तो डबल करने से भाई डबल कोई चीज होगी तो कमजोर नहीं होगी। यहाँ पे ये ट्रिक है, डबल ये हो गई तो ये कमजोर कैसे हो सकती है, इट मीन्स ये गलत है। W डबल E के हमें नहीं लिखना है, W E A के लिखना है, वीक मीन्स कमजोर, ठीक है। ये सप्ताह होता है तो स्ट्रांग की वीक हमें ये स्पेलिंग लिखनी है, ना कि डबल वाली, क्योंकि डबल वाला कमजोर होता ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज वैलियंट। आपको देखने से लग रहा होगा कि ऐसे ही वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, इनमें से ही आ सकते हैं, क्योंकि एक तो आया ही हुआ है जहां से मैंने ये उठाए हैं, वैलियंट। वैलियंट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन हो सकता है आपने ना सुना हो, तो आप सबसे पहले उसी वर्ड को तैयार करेंगे जो आपने सुना नहीं है। तो वैलियंट मीन्स होता है वीर, वीर, इसको ब्रेव बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम है ब्रेव। तो वैलियंट मीन्स यदि ब्रेव होता है तो फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वैलियंट का वर्ड हो जाएगा CoWARD, कवर्ड मीन्स कायर होता है, ठीक है दोस्तों। कवर्ड, CoWARD, स्पेलिंग आपको दोनों तरफ की याद करनी है, CoWARD। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस, कौन आ रहा है किसी का सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता, इसका हमें अपोजिट लिखना है तो असफलता, फेलियर, FAILURE, फेलियर। फेलियर मीन्स असफलता, स्पेलिंग आप दोनों तरफ से याद करेंगे, FAILURE, फेल की स्पेलिंग FAIL और URE उसमें जोड़ दिया तो फेलियर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लूज। लूज मीन्स ढीला, लूज मीन्स ढीला। टाइट की स्पेलिंग हमें लिखनी है, टाइट की स्पेलिंग पर ध्यान देना है, TIGHT, टाइट, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, TIGHT, टाइट। नेक्स्ट है मेक। नेक्स्ट वर्ड इज मेक, मीन्स बनाना, बिगाड़ना या विनाश करना, मार होती है। मेक का अपोजिट, मेक यदि आएगा तो आप दोस्तों मार ही लिखेंगे, मेक मार, मेक मार, MAR, ठीक है। परमानेंट, परमानेंट, तो परमानेंट का क्या होगा एंटोनियम, हम लोग बोलते रहते हैं कि ये चीज परमानेंट है, तो टेम्परेरी भी बोलते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है टेम्परेली बोलते हैं, जबकि होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, तो टेम्परेरी लिखेंगे, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, TEMPO, ठीक है। तो इसको टेम्पो, TEMPO, टेम्पो, इस तरह मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अपनी खुद की ट्रिक है मेरी, तो टेम्पो, TEMPO, टेम्पो हो गया। टेम्पो हम लोग जानते हैं, टेम्पो बोलते भी रहते हैं टेम्पो, और इसी में RARY और ऐड कर दिया, टेम्परेरी हो गया। टेम्परेरी मीन्स परमानेंट, स्थाई, टेम्परेरी मीन्स अस्थाई। और यदि आपको ये कठिन लगती है दोस्तों, तो शॉर्ट लिव्ड भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़े समय रहती है, क्षणिक, ये स्थाई है, ये क्षणिक है, तो दोस्तों शॉर्ट लिव्ड ये लिखा है, शॉर्ट लिव्ड। टेम्परेरी यदि आपको नहीं आ रही है तो शॉर्ट लिव्ड लिख दीजिए, वैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड इज है अपना वार। वार मीन्स होता है युद्ध, ठीक है, वार मीन्स युद्ध होता है, बैटल मीन्स युद्ध होता है, सिनोनिम मैं बता रहा हूँ, वार का बैटल हो गया, तो लेकिन यहाँ पर तो एंटोनिम हमें लिखना है, अपोजिट लिखना है, तो पीस का लिखना है, पीस माने शांति होता है, पीस, वार का पीस, आपके माइंड में भी आया होगा, नहीं आया तो याद करें। लेकिन बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस वर्ड, इस शब्द को लिखते समय केयरफुल रहना है, क्योंकि
सपोज यदि मैंने इस तरह से लिख दिया, ध्यान देना, ये वर्ड लिख दिया पी आई ई सी ई पी, पी आई ई सी, तो टुकड़ा हो जाएगा ये दोस्तों, टुकड़ा, ये शांति नहीं हुई। क्योंकि अब क्या ट्रिक क्या है, टुकड़ा आई और ई, आई ई, यदि मान लीजिए सपोज करिए हम ये कहें आपके हम टुकड़े करेंगे, तो आप फिर आई ई करोगे, यदि हम आपके टुकड़े करेंगे, यदि आपके कोई टुकड़े करे तो आप आई ई चिल्लाओगे, आई ई। तो इस इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आई ई आएगा वो शांति तो नहीं, वो टुकड़ा होगा। तो शांति की स्पेलिंग वार का अपोजिट हमें क्या लिखना है, पी ई ए सी ई पी मीन शांति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैन, 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 वो कहते हैं पैन हो रहा, पैन मीन्स दर्द होता है, तो पैन का प्लेजर होता है अपोजिट इसका, पी एल ई ए एस यू आर ई, प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद, खुशी, ठीक है, पी एल ई ए एस यू एस यू आर ई, प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड इज बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त होता है, इसका अपोजिट लिखना है, एक आदमी व्यस्त रहता है, एक आदमी लेजी होता है, वो व्यस्त क्या रहेगा, जो लेजी होगा वह व्यस्त ही नहीं रहेगा, लेजी। तो बहुत ही सरल है, लेकिन आ सकते हैं ये सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से कोई सभी हो सकता है एग्जाम में रखा जाए, क्योंकि ये मैंने बहुत ही बेसिक लिए है, आपको स्वयं लग रहा होगा, बिजी का लेजी हो गया, और आइडल भी हो सकता है, इसका मतलब भी होता है आलसी, आइडियली, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आई डी ई ए एल नहीं लिखना है, आइडियल ये आदर्श होता है, ये आई डी ई ए एल नहीं लिखना है, बिजी के अपोजिट में इनमें से कोई सा भी लिख देंगे, आइडियल और लेजी, ठीक है। नेक्स्ट है नोबल, नोबल मीन्स श्रेष्ठ, नोबल मीन्स श्रेष्ठ, अपोजिट लिखेंगे एम ई ए एन, मीन माने कमीन, कमीना, नोबल मीन, एम ई ए एन मीन्स मतलब कमीन, एम ई ए एन, ये श्रेष्ठ है, ये कमीन, अपोजिट हो गया एंटोनिम, नोबल मीन मतलब कमीन। गिल्टी, ये मैं इतना आप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है लॉक होते जाएं ये वर्ड्स, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख दूँ। गिल्टी मीन्स अपराधी, गिल्टी, नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी मीन्स अपराधी, हमें अपोजिट लिखना इनोसेंट, आई डबल एन ओ सी ई एन टी, इनोसेंट, आई डबल एन ओ सी ई एन टी, गिल्टी मीन्स अपराधी, इनोसेंट मीन्स निर्दोष। स्पेलिंग आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये वर्ड याद भी रह गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप स्पेलिंग पर ध्यान दें। मॉरल, मॉरल मीन्स नैतिक, मॉरल मीन्स नैतिक, तो इस वर्ड में दोस्तों आई एम, इसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स कहते हैं, तो आई एम प्रीफिक्स हमने जोड़ दिया दिए हुए मॉरल वर्ड से पहले, तो ये आई एम प्रीफिक्स हो गया, अब मॉरल इसी में लिखेंगे, एम ओ आर ए एल, इमोरल हो गया, इमोरल मीन्स अनैतिक। दोस्तों इसी वर्ड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉरल जो दिया गया वर्ड है एम ओ आर ए एल, इसमें यदि हम ए जोड़ दें तो भी इसका अपोजिट हो जाए इमोरल, मॉरल का अपोजिट इमोरल भी होता है, ए एम ओ आर ए एल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी अब आ नहीं रहा था, देखा नहीं मैंने, ये लिखा है मॉरल, जो वर्ड दिया गया था उसका अपोजिट हम इस तरह से मॉरल, ये स्पेलिंग रही, और ए जोड़कर भी इसमें हम अपोजिट कर सकते हैं, और नहीं तो आई एम प्रीफिक्स लगा के भी लिखा जा सकता है। नॉटी मीन्स शैतान, गैस करिए इसका क्या आंसर होगा, नॉटी मीन्स शैतान, ये रहा नॉटी मीन्स शैतान, इसका जो है क्या होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, नॉटी मीन्स शैतान होता है, तो जेंटल मीन्स तो सज्जन होता है, फिर सही हुआ कि नहीं, जेंटल, जेंटल मीन, ये शैतान है ये सज्जन है, सेम हो गया, जेंटल मीन सज्जन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यदि है आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है तो भी आप मुझे बताएं प्लीज, और एक मिनट, हाँ नेक्स्ट वर्ड लेते हैं,
जो कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये वर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो वैसे ये इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा कि जैसे ये वाला हो सकता है एग्ज़ाम में दिया ही गया हो। आपको ये सारे याद करने हैं क्योंकि ये बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लीनियंट देखते हैं। लीनियंट मीन्स दोस्तों होता है उदार, ठीक है, उदार। और कठोर की यहाँ अंग्रेजी हमें लिखनी है तो स्ट्रिक्ट लिखेंगे, हार्ड, डिफिकल्ट, टफ, ये कोई सा भी वर्ड इनमें से नहीं आएगा। लीनियंट यदि होगा तो स्ट्रिक्ट ही लिखा जाएगा, STRICT, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज नेचुरल। नेचुरल तो नेचुरल का अपोजिट क्या होता है? कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं, बनावटी। ये प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल बनावटी होता है। ARTICIFIAL, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, ये स्पेलिंग नहीं है, आर्टिफिशियल की स्पेलिंग होगी ARTIFICIAL। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये स्पेलिंग है ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल। यदि आर्टिफिशियल की स्पेलिंग आपको याद नहीं है या आपको लग रहा है कंफ्यूजन है कि गलत हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ गलत लिख दी थी, तो आर्टिफिशियल की करेक्ट स्पेलिंग तो ये सामने आपकी लिखी, लेकिन नेचुरल का अपोजिट और भी है, हो सकता है और करेक्ट भी है, अननेचुरल। अन प्रीफिक्स जोड़कर नेचुरल इसमें लिख दें तो ये अपोजिट भी है अननेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, अननेचुरल मीन्स अप्राकृतिक, ठीक है, बनावटी मतलब। तो आप जो है कोई सी भी इसमें से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।